हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग कैसी चल रही है आपकी तैयारी आई होप आप सब बहुत अच्छे हो इंटरेस्टिंग uh, चल रही होगी आप सभी की तैयारी आप सभी की प्रेपरेशन्स एंड विशिंग यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट कि आपकी तैयारी बढ़िया चले मज़ेदार यू नो पेस पे चलते रहे सो so, आज हम लोग करेंगे पार्ट थ्री ऑफ दिस मैराथन राइट एंड द पार्ट थ्री ऑफ द मैराथन जो है Uh, इसमें हम लाइक like लास्ट uh, बाकी दो सेशन्स के जैसे ही वट आर वी गोइंग टू डू हम लोग इसमें यही देखेंगे और यही सॉल्व करेंगे uh, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके क्या क्या सेट ऑफ क्वेश्चन हैं सो इट इज गोइंग टू एक्ट एज़ अ वेरी गुड रिविजन फॉर यू कि आपको ये पता चल जाएगा कि या तो अगर आपने पहले ये क्वेश्चन करे हैं uh, तो भी आपके रिविजन हो जाएंगे और अगर आपने नहीं किया है तो एटलीस्ट आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन you सेट्स know, है ठीक है आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन की मैं हूं वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस uh, uh, करने वाले हैं वो है प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइस ठीक है द प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइस जो है दैट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट हेज दैट आई एम गोइंग टू आस्क और इसके ऊपर पांच सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा द ब्रिटिश आर्किटेक्ट एक्स एक्स Has been as of 2023 Prize. Prize जो सिग्निफिकेंस नोबेल प्राइज का है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इकोनॉमिक्स लिटरेचर फिजिक्स केमेस्ट्री पीस ब्ला ब्ला वैसा ही प्रिट्सगर प्राइज का इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर ठीक है

तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द लॉरियट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रिट्सगर आर्किटेक्चर प्राइस जो कि एक्स दिया हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स में यार इज योर रियल नेम डैडी साइक प्लीज टेल मी वॉट योर रियल नेम इज बिकॉज कॉलिंग योर डैडी साइक वुड बी वेरी वेरी वियर्ड गुड इवनिंग अनुष्का गुड इवनिंग एवरीवान सर यस द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन इज सर डेविड एलन चिपोफील्ड ठीक है चिपोफील्ड इज द करेक्ट आंसर सर डेविड एलन चिपोफील्ड जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट है उनको 2023 प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है उससे नवाजा गया वो अवार्ड जो है वो उनको दिया गया ठीक so, yes, है सो यस डेविड एलन चिपोफील्ड इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं द प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइज इज एन इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली टू ऑनर अ लिविंग आर्किटेक्ट द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच योर सबसे पहली बार ये अवार्ड जो है वो कब दिया गया था आदित्य अच्छा ठीक है ठीक है ओके कुल आदित्य कुल 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 नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है सो द प्रिंसग आर्किटेक्चर प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच क्वेश्चन नंबर टू एंड द करेक्ट आंसर येस एब्सोल्यूटली करेक्ट आदित्य सिंह की बोथ ऑफ यू गॉट इट करेक्ट नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन सबसे पहले प्रिट्सगा uh, प्राइज है वो दिया गया था नाइनटीन में वेरी गुड करेक्ट अनुष्का यू ऑल्सो राइट वेरी गुड शाबाश चलो तीसरा देखते हैं हाउ मेनी इंडियंस द इंडियन प्राइज सोफा कितने इंडियंस ने इंडियन प्राइज जो है वो जीता है इस क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मेनी इंडियंस है प्रिट्सगा प्राइज जीरो वन टू थ्री इस क्वेश्चन नंबर थ्री एंड द करेक्ट आंसर इज वन

व वॉन द प्रिट्सगा प्राइस इज बीवी दोषी चार्ल्स कोरिया राज रेवाल नारी गांधी क्वेश्चन नंबर फोर एंड द करेक्ट आंसर इज ये बीवी दोषी ठीक है बीवी दोषी इज द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव वॉन द प्रिग प्राइज फाइनल क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिस्ग प्राइस इन इन सभी ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट द प्रिट्सगर आर्किटेक्चर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड वॉज बाय द दिट्सगर फैमिली थ्रू देयर हयात फाउंडेशन ऑफन रेफर्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर एंड द प्रोफेशन हाइएस्ट ऑनर बोथ ए एंड बी डी नन ऑफ दीज देखो ऑप्शन बी तो सही है तो मैंने ही तुमको बता दिया था स्टार्टिंग में ऑप्शन बी इज एप्स करेक्ट नाउ यू जस्ट है करेक्ट आंसर इज सी बो बिल सही जवाब है दोनों ही ऑप्शन है प्रिट्सगर आर्किटेक्चर प्राइस जो है वो प्रिट्सगर फैमिली ने इंस्टीट्यूट किया था नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन में और थ्रू हयात फाउंडेशन ठीक है उनका जो फाउंडेशन था जो चैरिटेबल फाउंडेशन था उसका नाम था फाउंडेशन उसके थ्रू फैमिली ने यह अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया था जो कि कंसिडर किया जाता है एज द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर प्रोफेशन का जो है वो सबसे ऊंचा यू नो और सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो माना जाता है ठीक है सो सो सर डेविड एलम चिपोफील्ड जो है उनके कुछ नोटेड प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ नाइन आर दोज नो नोटेड प्रोजेक्ट्स आप इसका अगर चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर इन केस यू नो यू वांट टू रिमेंबर कि क्या है वैसे आई डोंट फील कि इस इतना डिटेल में जाके क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा बट फिर भी स्टिल सो समथिंग लाइक रिवर एंड रोइंग म्यूजियम Uh, जो कि यूके में है बीबीसी स्कॉटलैंड हेडक्वार्टर्स ग्लासगो में है यूके में टर्नर कंटेम्प्री यूके में कैंपस सेंट लुइस आर्ट म्यूजियम वन पैनक्रास स्क्वायर रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स मास्टर प्लान हॉक्सटन प्रेस कुंस थाउस ये सभी जो है उनके नोटेड प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है तो अगर इन केस यू वांट टू रिमेंबर तो आप एक बार ये भी देख लेना ऑल राइट right. चलो नाउ वी कम टू द सेकंड टॉपिक व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन अगेन

उनको स्केल करने के लिए उनको उनकी चढ़ाई करने वाली फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन है ठीक है तो ये जो है एज वेल ऑफिसर है, well है उत्तर प्रदेश में और इंदो तिबेतियन आईटीबीपी ठीक है इंदो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में के रैंक पे सेवानिवृत्त हैं ये अभी आ, शी, वर्किंग ठीक है सो so, इनके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो बोला गया शी हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बिंग द फर्स्ट ऑफिसर टू स्केल द माउंट एवरेस्ट एंड द फर्स्ट वुमेन टू कमांड द आई टी बी पी अकेडमी इन सिक्सटी ईयर इन सिक्स डेकेड ठीक है फर्स्ट वुमेन जिन्होंने जिन्होंने आई टी बीपी अकेडमी को कमांड किया है सो uh, so, अभी एक इंस्पेक्टर जनरल है इन द पैक सेंट्रल जोन जोन एंड द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द यूपी पुलिस बोर्ड ठीक है और अच्छा वेरी इंटरेस्टिंगली शी इज ऑल्सो अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर ओके सो दिस विमेन आईपीएस ऑफिसर जिनकी हम बात कर रहे हैं शी इज ऑल्सो शी इज ऑल्सो अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर जो की सभी बच्चों का सपना होता है जो कि लॉ स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उन सभी का सपना होता है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर जाने का एंड शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन एल एस आई यू बैंगलोर इन नाइनटीन नाइन नाइन और आईपीएस ये बनी थी 2002 में ठीक है तो चलिए देखते हैं आ, इसके ऊपर हम लास्ट में आएंगे क्वेश्चन <laughs> का आंसर ही मिल गया गलत जगह पे मैंने ऐड कर दिया था बट एनी विच में कोई बात नहीं आई एम गुड अभिनव थैंक यू फॉर आस्किंग हाउ आर यू Uh, who has become the first women IPS officer to conquer 7 summits? Is question number uh, 6. Who is the first women IPS officer to conquer all the 7 summits? Aparna Kumar, Shivangi Singh, Shiva Chauhan, Ashwini Singh. Question number 6. Abhinav says, I want NLU, Hyderabad. Achha, Nalsar, Hyderabad over unless Bangalore. चलो ठीक है यार सबकी अपनी अपनी पसंद एंड यस द करेक्ट आंसर इज अपर्णा कुमार बिल्कुल सही ठीक है सो द नेम ऑफ द आईपीएस ऑफिसर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इज अपर्णा कुमार चलो एक बार ना एक देख ही लेते हैं सो अपर्णा कुमार जो है उन्होंने सेवन समिट जो है वो स्केल की है एशिया में माउंट एवरेस्ट ठीक है साउथ अमेरिका में माउंट एकॉन एकॉनकागन एंड नॉर्थ अमेरिका में माउंट डेनाली अफ्रीका में माउंट किलमंजारो यूरोप में माउंट एलबरिस एंटार्टिका में माउंट विंसेंट मैसेफ एंड ऑस्ट्रेलेशिया में आपका समिट कॉल्ड पिरमिड समथिंग समथिंग ठीक है सो दीज आर ऑल द सेवन समिट्स अब इनका नेक्स्ट टारगेट जो है द नेक्स्ट टारगेट इज ऑल्सो टू स्केल द नॉर्थ पोल एंड द द साउथ पोल एंड दिस इज वॉट शी विशेस टू डू बाय ट्वेंटी थर्टी ठीक है सो सेवन समिट्स दीज आर लाइक द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस जो कि आपके अवेलेबल होते हैं जो कि आपको जो आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे ये सारे टॉप के जो समिट्स हैं uh, वो आपको मिलते हैं जो कि इन्होंने जिसकी इन्होंने चढ़ाई कर ली ठीक है तो चलो क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं द सेवन समिट्स आर द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑफ इच ऑफ द सेवन ट्रेडिशनल कॉन्टिनें विच आर द फॉलोइंग समिट एंड कॉन्टिनेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड एफ्रीकन प्लेट किलमजारो साउथ अमेरिकन प्लेट विंसिन ऑस्ट्रेलियन प्लेट पुनकैक जया यूरेशियन प्लेट माउंट एवरेस्ट विच आर द फॉलोइंग समेट एंड कॉन्टिनेंट इज इनकरेक्टली मैस्ड क्वेश्चन नंबर सेवन एंड द करेक्ट आंसर इज साउथ अमेरिकन प्लेट विंसन नहीं यार यूरेशियन प्लेट यार ये मेरे को थोड़ा सा गड़गड़बड़ लग रहा है अफ्रीकन प्लेट किलमन जा रो तो चलो ठीक है ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट एशिया में माउंट एवरेस्ट आता है एक मिनट रुको अस गो बैक हियर अफ्रीका का किलम जारो इज करेक्ट अंटार्क्टिका का इज विंसन मैसेफ तो साउथ अमेरिकन प्लेट गलत होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट रुको गाइज एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकेंड एक मिनट इसको चेक करते हैं मेरे हिसाब से भी बात तो सही है यार बी ही गलत होना चाहिए इसमें क्या दिया हुआ है लेकिन नहीं माउंट एवरेस्ट तो चलो ठीक है माउंट एवरेस्ट इज ओके यूरेशिया में अगर वो दिया है वो ठीक है आ, तिक 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 तिक। साउथ अमेरिकन प्लेट अच्छा ठीक है एक काम करते हैं इसको स्टार करके रखते हैं इस पे भी हैव अ डाउट इसको ना लास्ट में देखते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन वी हैव अ डाउट दिस वी विल चेक अभी आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज होम टू द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड के टू क्या सॉरी विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज होम टू द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड के टू ओके हाँ ठीक है ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है मैं इन द मीन टाइम पिछला वाला चेक करता हूं सो वट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट यस काराकोरम रेंज इज एपस करेक्ट के टू जो है वो काराकोरम रेंज है के इट सेल्फ स्टैंड फॉर काराकोरम रेंज के वन के टू ठीक है सो हियर के इट सेल्फ स्टैंड फॉर काराकोरम रेंज ठीक है चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन डैश ऑल्सो कॉल्ड एज माउंट मैकिन अरे यार गिरी जाऊंगा मैं डैश ऑल्सो कॉल्ड एज माउंट मैकिनली इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल अलास्का अच्छा ठीक है ओके कूल 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 एक्चुअली अगेन हिंट दे दू मैं अगर तो जो सेवेंथ सबमिट उन्होंने जिसकी चढ़ाई की वो इसी माउंटेन रेंज की की थी क्वेश्चन नंबर नाइन सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर नाइन एंड द करेक्ट आंसर यस इज डेनाली बिल्कुल सही है वेरी गुड अथर्व डेनालीज द माउंटेन रेंज जो की अलास्का में सिचुएटेड है एंड दिस वॉज दीक जो कि उनका रहा, जिसकी उन्होंने चढ़ाई करी थी ठीक है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन एंड आई थिंक आई फाउंड आंसर टू क्वेश्चन सेवन ऑल्सो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अर आर करेक्ट माउंट एवरेस्ट इज अर्थ हाइएस्ट माउंटेन रेंज अबव सी लेवल लोकेटेड इन द Mahalangur Himalayan subrange of the Himalayas. China Nepal border runs across the summit's point at an elevation of 8,848 meter. Aconcagua has two main routes to reach the summit the normal route and the Polish traverse. Mount Elbrus and its glaciers are part of the European continental plate. So, which of the following is correct? And the correct answer is option D all of these. Okay? So, and Econca, जो ये है ये आता है अर्जेंटीना में ठीक है एंड ये इट हैजू रूट नॉर्मल रूट एन द पोलिश ट्रेवल्स माउंट एलब्रेस जो है वो पार्ट है तुम्हारा यूरोपियन कॉन्टिनेंटल प्लेट का एंड माउंट एवरेस्ट तो ऑफकोर्स अर्थ तो का हाइएस्ट माउंटेन है ही है ये तो हमको पता है सो ऑल थ्री ऑफ देम आर एबसेलूटली करेक्ट वी हैव द कोड फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है यार कोई बात नहीं द पॉइंट इज दैट वी नीड टू रिमेंबर स्टाफ नॉट अबाउट ठीक है हाँ सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन ओके सो इसमें बी जो है वो सही है तुम लोग क्या बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर सेवन का व्हाट इज द करेक्ट आंसर बताना फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द करेक्ट आंसर सो एफ्रीकन प्लेट किलमन जारो आई एफ्रीकन एफ्रीका Africa का किलमनजारो इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है माउंट एवरेस्ट इज करेक्ट एसेंशियली हमको डाउट हो रहा है बी और सी में ठीक है नाउ विंसन जो है ये आपका एंटार्क्टिका में है ठीक है और पुन गया जिसको कि जया जिसको कहते हैं इसी को कहा जाता है कास्टेंस पिरामिड ठीक है जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं हम ठीक है हाइएस्ट आईलैंड पीक इन द वर्ल्ड अराउंड फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एटी फोर मीटर अबव द इंडोनेशियन जंगल ऑस्ट्रेलिया में आता है ठीक है तो टूनक जया का ही एक और नाम है कार्टन्स पिरामिड ठीक है सो इसीलिए सी जो है ये करेक्ट आंसर है और इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन बी है साउथ अमेरिकन प्लेट विंसन क्योंकि अंटार्कटिका में है राइट साउथ अमेरिका में कौन सा प्लेट है विंसन मैसिव जो है ये तुम्हारा अंटार्कटिका में है सो दिस इज इनकरेक्ट एंड ठीक है सो यस इसका डाउट हमने क्लियर किया करेक्ट आंसर बी ठीक है इसमें बी इज द करेक्ट वन ओके और साउथ अमेरिका में कौन सा है साउथ अमेरिका में है एक गुआ ठीक है अच्छा इसका बोल रहेन का गोवा के तीन मेन रूट्स हैं ठीक है ये वाला क्वेश्चन जो है ना आदित्य वी विल चेक कौन का वाला कि उसके कितने मेजर रूट दो है कि तीन है वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे ठीक है लास्ट में करते हैं उसको डोंट वरी नाउ लेट कम टू द थर्ड टॉपिक विच इज द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज ओके सो दिस इज थर्ड टॉपिक जो कि आपका मार्च uh, ऑफ 2023 में हुआ था राइट right? चलो तो इसके ऊपर अच्छा एस के ऊपर अगर हम कुछ बात करें तो दीज आर सम स्टैटिक इंफॉर्मेशन दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ राइट सो देर आर एट मेंबर्स टू द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना में इसका है ठीक है नाम में ही शांघाई लिखा हुआ है एस so, सीओ जो है उसको हम कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया चाइना इंडिया है उजबेक uh, है तजाकिस्तान है पाकिस्तान है ईरान है, 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 है ना ऑल ऑफ दीज आर में एस सी ओ ठीक है इनकी बेसिकली बात करें तो इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड क्योंकि सब नेबर्स हैं तो अ गुड रिलेशन बिटवीन द नेबर्स इज वॉट इज द बेसिक आइडिया जो कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस एस सी ओ का ऑब्जेक्टिव जो है वो किया जाता है लाइक रखा गया है राइट एंड इट्स इट्स ऑल अबाउट पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंटायर रीजन इज वॉट इज द हाईलाइट ऑफ द एस सी ओ दैट इज देयर इट हैज काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ फॉरन मिनिस्टर्स अलग अलग पार्ट है जो की एस सी ओ के अलग अलग विंग्स है जो की काम करते हैं ठीक है दो हजार दो में एस सी ओ चार्टर बना था दो हजार दो में रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको कि रैक्स फाउंडिंग अग्रीमेंट कहते हैं वो बना था एंड uh, 2001 में शंघाई कन्वेंशन ऑन स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म जो है वो uh, बना था ठीक है सो दीस आर सम बेसिक डॉक्यूमेंट्स अबाउट और द बेसिक डॉक्यूमेंट्स व्हिच गवर्न्स द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है हाँ ठीक है हाँ ठीक है लेटेस्ट ईरान ईरान यस नाइन्थ मेंबर 2009 में हुआ था 2008 में उसने अपना एप्लीकेशन जो है वो इंडक्ट uh, किया, uh, uh, किया गया था एस सो ओ के बारे में स्टार्टिंग तो देख लिया थोड़ा सा वी नीड टू सी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस सीओ ऑन शेर बुद्धिस्ट हेरिटेज ठीक है हेरिटेज जो है वॉज कंडक्टेड इन डैश ठीक है मतलब बेसिकली कहां पे हुआ था फर्स्ट शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ द एस सीओ और इसके अलावा तो कुछ नहीं है नहीं चलो विच आर द फॉलोइंग रिप्लेसेज एक्स इन द अब पैसेज एसेंशियली वेयर वॉज दिस कंडक्टेड वेयर वॉज दिस मीटिंग कंडक्टेड क्वेश्चन नंबर इलेवन है सो इलेवन द करेक्ट आंसर इज न्यू डेली Again. So, this happened was first meeting of SEO, shared heritage, Buddhist shared heritage happened in New Delhi. 12. The first Buddhist council is said to have been patronized by First Buddhist council is said to have been patronized by Porus Ashok Ajat Chandragupta Maurya. The first Buddhist council is said to have been patronized by the correct answer is Ajat Shatru. Take so this is this happened after the death of Gautam Buddha. Take so after after Gautam Buddha passed away, should not say death, should should be like he, after he passed away. So Ajat Shatru was the one who called the uh, like who called on everyone, which became the first Buddhist council, uh, which was again called by Ajat Shatru. Take थर्टीन द महाबोधि टेम्पल इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट टेम्पल इट इज सिचुएटेड इन विद स्टेट ऑफ इंडिया महाबोधि टेम्पल इज इन विथ स्टेट ऑफ इंडिया ठीक है इजी है ये थर्टीन एंड द करेक्ट आंसर इज डी बिहार ठीक है बोध गया में सिचुएटेड है बोध गया इज द प्लेस महाबोधि टेम्पल इज सिचुएटेड इन बिहार चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एट विच बुद्ध साइट ऑफ इंडिया डिट गौतम बुद्ध फर्स्ट धर्म एट विच बुद्ध साइट ऑफ इंडिया डिट गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच धर्म एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सारनाथ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज डी सारनाथ विच इज इन वाराणसी ठीक है सो सबसे पहली बार गौतम बुद्ध जो है उन्होंने धर्म के बारे में जो अपनी एडुकेशन और नॉलेज जो है वो शेयर करी थी वो की थी सारनाथ वाराणसी में ओके okay? चलो फाइनल क्वेश्चन विच कंट्री होस्टेड द एस समिट ऑफ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू दो हजार बाईस का एस समिट किस कंट्री ने होस्ट करा था कजाकिस्तान उजबेकिस्तान रशिया या फिर तजाकिस्तान क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच कंट्री होस्टेड द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू एंड द करेक्ट आंसर यस इज करेक्ट द करेक्ट आंसर इज उजबेकिस्तान ठीक है नाउ पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीक है उसके ऊपर जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं सो दिस इज द पैसेज दैट दे हैव गिवन टू यू अब हमको सबसे पहले देखना है कि चाइना ने एक अग्रीमेंट किया जो कि 4.8 बिलियन यूएस डॉलर का था मतलब पॉइंट वही है पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं है पावर प्लांट जो है वो चाइना के साथ मिलके बना रहा है ठीक है और लौटा तो पाओगे नहीं यार तुम ये पैसे तो अल्टीमेटली पता है चाइना का यही ना लाइक चाइना का यही तरीका है कि ना इतना ज़्यादा लोन इतना ज़्यादा डेट दे दो उसने श्रीलंका के साथ भी वही करा Uh, हमन डोटा चो पोर्ट बनाया था उसमें एंड सेम पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं कि इतना डेट दे दो इतना डेट दे दो इतना इनको लोन दे दो कि बाद में ना ये रीपे ही नहीं कर पाए और जब रीपे नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद इनडायरेक्ट कंट्रोल तो आप ही का हो जाएगा उस पूरे देश के ऊपर तो दैट इज व्हाट द स्ट्रेटजी इज ऑफ चाइना सो 4.8 बिलियन यूएस डॉलर का जो है जो कि देखो कैश ट्रैप्ड पाकिस्तान का मतलब जिसके पास खुद ही पैसे नहीं है तो उनके लिए सेटअप किया जा रहा है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि एक साइन है इंक्रीजिंग स्ट्रेट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का कोऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं है इनडिरेक्ट तरीका है कि दस दस बीस साल के अंदर पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको खरीद ही लेगा यू नो you know, पाकिस्तान को चाइना खरीद ही लेगा ठीक है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है विटनेस किए इस डील को आ, जो कि जहाँ की बीजिंग जो है चाइना जो है वो न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है एंड ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है ऑल right। तो इसी के ऊपर बेसिकली एक है इसमें आई थिंक एक एक्स ही है आ, जो कि तुमसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम पूछ रहा है तो इसीलिए वो मैं बताऊंगा नहीं तो उसका यू नो you know, एक बार क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच आर द फॉलोइंग रिप्लेसेज एक्स इन द अब पैसेज ट्वेल्व हंड्रेड मेगावॉट चश्मा वी एन पी पी फिफ्टीन हंड्रेड मेगावॉट 2200 मेगावाट या 2500 मेगावाट चश्मा वी एन पी पी क्लैट लैंग्वेज क्या क्लैट लैंग्वेज मतलब समझा नहीं यार उत्सव सो द फॉलोइंग रिप्लेसेस एक्स इन द अब पैसेज क्वेश्चन नंबर वन द करेक्ट आंसर इज 1200 हंड्रेड मेगावॉट चश्मा वी एन पीपी ठीक है सो दैट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर मतलब दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीक है Uh, what is the capacity and the name 1200 megawatt chashma vnpp is the name of the nuclear power plant which is me in pakistan mein bana china okay moving on to question number two pakistan is currently operating dash china built nuclear plants four small reactors at chashma complex and two at the karachi nuclear power plant pakistan's oldest reactor canada built kanup one is now decommissioned टू एंड नुप थ्री बोथ यूज इलेवन हंड्रेड मेगा वॉट चाइनीज वन रिएक्टर्स ठीक है तो बेसिकली अब आपको बताना है कि पाकिस्तान करेंटली कितने चाइना बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से बताओ द करेक्ट आंसर इज टोटल अ टोटल ऑफ सिक्स चाइना बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है आ, फोर आपके स्मॉल रिएक्टर्स हैं चश्मा कॉम्प्लेक्स में टू एट कराची न्यूक्लियर प्लांट ये हो गए उसके बाद कनुप छू एंड कनुप थ्री ये हो गए टोटल आठ इन आठ में से जो है उसको चाइना मेंटेन कर रहा है बाकी दो जो है वो पाकिस्तान खुद से कर रहा है एक जो है वो डीकमीशन हो गया जिसको कि कनाडा ने बनाया था सबसे पहले वो डीकमीशन हो गया उसको खत्म कर दिया गया वो नहीं ऑपरेट कर रहे तो एट आउट ऑफ सिक्स जो है अरे सॉरी सिक्स आउट ऑफ एट जो है उसको मेंटेन कर रहा है चाइना आपका ठीक है सो सिक्स इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शन प्रोग्राम ओपन अप न्यूक्लियर रिसर्च टू सिविलियंस एंड कंट्रीज दैट हैड नॉट प्रीवियसली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एटम्स फॉर पीस वॉर्स टाइटल वॉज द टाइटल ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाई यूएस प्रेसिडेंट डी आइजनहावो

क्वेश्चन नंबर थ्री जल्दी से बताएंगे चलो बिल्कुल सही है सचिन द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज ऑल द थ्री ऑप्शन ए बी एंड सी आर एप्स करेक्ट एटम्स फॉर पीस जो है वो एक प्रोग्राम था जहां पे कि न्यूक्लियर रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा था टू द कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी ठीक है एंड ये जो एटम्स फॉर पीस है ये एक टाइटल ऑफ द स्पीच था जो कि यूएस प्रेसिडेंट आइजन हावर ने दिया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और पाकिस्तान इसराइल ये दोनों ही कंट्रीज थी इसके अर्लीस्ट मेंबर्स बने थे इसराइल में भी फिर न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट बना और फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी बना अंडर दिस प्रोग्राम बाय और उसमें अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा इसमें हैविली रहा था ठीक है सो थ्री डी इज करेक्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर Which of the following statement is or are correct? Firdeko Agya Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons. NPT aims to avert the danger of nuclear war through the prevention of wider decimation of nuclear weapons and other measures. Was opened for signatures 1968, entered into force on 5th March 1970. Four UN member states have never accepted, three of which possess or are thought to possess nuclear weapons, including India, Israel, and Pakistan. इन एडिशन साउथ सुदान फाउंडेड इन टू थाउजेंड इलेवन एंबर फोर में क्वेश्चन से बताएंगे एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल दब्शन ए बीसी जो है वो एब्सोलूटली करेक्ट है इसमें कोई भी गलत नहीं है हम लोगों ने जब uh, बात कर रहे थे वेन वी वॉकिंग अबाउट इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम इससे पहले की कुछ क्लासेज में तब उस समय मैंने आपको बताया भी था कि नॉन प्रोलिफर ट्रीटी जो है आ, उस एट द द टाइम टाइम ऑफ ऑफ और रादर फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के के समय से ही इंडिया ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था आ, कि यू नो नॉन ट्रीटी जो है साइन कर लें ठीक है 1974 में इंडिया ने पोखरण में सबसे पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो करा था आ, उस समय इंदिरा गांधी जो है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और उनके स्टीवर्डशिप में इंडिया ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया एंड इट वॉज फॉर द पीसफुल पर्पजेज वर्ल्ड को ये पता चल गया 1974 में कि इंडिया के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स है और हम न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं उसके इमीडिएटली बाद ही फिर बात ये होने लगी कि भाई आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो साइन करिए सो दैट आप और अपने न्यूक्लियर आर्सनल को बढ़ाएंगे नहीं लेकिन इंडिया ने इसको एकदम साफ मतलब टिल टूडे इंडिया जो है इसको नहीं साइन किया इंडिया ने कहा कि हम तो नहीं करने वाले भाई इसको साइन इसके अलावा अगर देखें तो इसराइल और पाकिस्तान इनने भी नॉन प्रोलिफरेशन जो है वो नहीं साइन किया है इंडिया का एक सबसे बड़ा रीजन एनपीटी नहीं साइन करने का ये भी है कि भाई पाकिस्तान ने नहीं साइन किया अगर नॉन प्रोलीफरेशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे आई थिंक सुबह की क्लास में जब हम यूनाइटेड नेशंस का भी डिसमेंट वीक चल रहा है चौबीस से तीस तारीख तक तो उसमें हम लोगों ने यह चीज़ डिस्कस करी थी हाँ सो एनी रिगार्डलेस ऑफ इट तो तो द पॉइंट इज इस नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि हम ना फिर अपने वेपन्स ग्रेड का जो इंक्रीज uh, करना है वेपन्स वेपन्स को को जो बनाना है न्यूक्लियर वो हम नहीं बनाएंगे वहां पे स्टॉप लग जाएगा एंड अगर हम साइन करते हैं तो हम नहीं बना पाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं साइन करता है, तो वो इट विल कंटिन्यू टू यू नो क्रिएट मोर एंड मोर वेपन विच इज नॉट समथिंग विच वी कैन अलाउ है ना तो इसीलिए तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो एप्सिलिटी करेक्ट है आओ पांचवे क्वेश्चन में How many sovereign states have publicly announced successful detonation of nuclear weapons? Five are considered to be nuclear weapon states under the terms of the Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Total how many sovereign states have publicly announced that successful detonation of nuclear weapons. Have they have done it. Question number five. And the correct answer to question number five is eight. ठीक है देर आर एट सॉवरिन स्टेट ये आपका होमवर्क है ठीक है नाउ आई एम गिविंग यूर होमवर्क ऑल्सो टूडे योर होमवर्क इज यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द एट कंट्रीज जिन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट किया है फाइव जो है आर कंसिडर टू बी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एनडब्ल्यू एस उसके अलावा तीन जो है आपके इंडिया इसराइल और पाकिस्तान हो गए तो इनके अलावा पांच जो है वो कौन से हैं दैट इज योर होमवर्क ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2023 देखो जैसा भी जैसे कैसा होता है कि हम लोग ना जब भी आ, कोई इंडेक्स कोई रैंकिंग ये सब आती है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम परसपेक्टिव से तो इसीलिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है आ, उसके ऊपर आपको एक पैसेज दिया हुआ है कि वर्ल्ड वाइड में हैव टू वेट फॉर वन 131 वन ईयर टू अचीव जेंडर पैरिटी विथ मैन एक साल वेट करने के बाद जिस रेट से यू नो जेंडर रोल्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं या वमेन को हम आ, प्रोग्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं इस रेट से भी अगर हम देखें वन थर्टी वन अभी और लगेंगे वुमेन को इक्वल फुटिंग पे आने के लिए लेकिन 131 साल में आदमी वहीं का वहीं नहीं रहेगा ना हम भी आगे बढ़ जाएंगे सो मतलब कंसिडरिंग 131 ईयर्स लगेंगे टू कम टू द सेम लेवल सो दैट इज वॉट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ने कहा है 2023 में ठीक है तो इसमें कई सारे इक्वालिटी को एसेस किया जाता है इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक इकोनॉमी पॉलिटिक्स हेल्थ एडुकेशन इन सभी के उस उसपे और देखा जाता है कि जेंडर गैप जो है वो कितना ज्यादा है आ, इंडिया की रैंक जो है वो कंट्रीज रैंकिंग स्टूड एट डैश पूछा है मतलब आप देखो यार इंडिया की रैंकिंग तो पूछना बनता है कि तो नॉलेज वाली बात हो गई कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ठीक है इंडिया हैज रीच्ड इन एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन तो हम लोगों ने एजुकेशन में तो एटलीस्ट अच्छा काम करा है ठीक है इकोनॉमिक uh, पार्टिसिपेशन में अगर देखें तो ओनली 36.7 परसेंट पैरिटी है मतलब बहुत ही ज्यादा कम पैरिटी है व्हेन इट कम्स टू मनी ठीक है इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत कम पैरिटी है तो ये है आपका इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ट्वेंटी वॉट वॉज इंडिया रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स द करेक्ट आंसर इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन वेरी गुड ध्रुवी बहुत बढ़िया शाबाश हंड्रेड ट्वेंटी सेवन इज एब्सोलूटली करेक्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेवन ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो किस साल में स्टैब्लिश किया गया था इट वॉज इन विच क्वेश्चन नंबर सेवन And the correct answer is 2006. Very good, superb, superb. Very good, very good. Question number eight, which of the following statement is incorrect regarding global gender gap index? Score for 2023 68.4 percent, showing an improvement of 0. 0.3 percent points from last year. Have achieved full gender equality.

Uh, कोई भी कंट्री जो है उसने 100 परसेंट इक्वालिटी जिसको कहते हैं 100 परसेंट पैरिटी जो है वो नहीं मेंटेन कर पाए अभी तक कोई अचीव नहीं कर पाया है और लास्ट uh, ईयर के कंपैरिजन से देखा जाए तो इस साल 0.3 परसेंट पॉइंट से थोड़ा सा बेटर हुआ है रिपोर्ट ठीक है uh, अच्छा ठीक है आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग ना मन में एक आता होगा सवाल कि जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना Uh, जहां पे भी चाहो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट उसका एक चीट कोड है कि सारे ऑप्शन सही होते हैं नन ऑफ दीज ही उसका आंसर होता है तो दैट मे बी अ चीट कोड विच इज ओके बट ठीक है द द द ऑफ ऑफ क्वेश्चन इज कि यू गेट टू नो मोर फैक्ट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक ठीक है तो और कुछ नहीं है सो इवन इफ इट्स अ चीट कोड इट्स ओके आई एम ओके इट द पॉइंट इज वी हैव विदर्न ऑल राइट चलो क्वेश्चन नंबर नाइन आइसलैंड हैज बीन ranked first as the most gender neutral country in the world फॉर द डैश कंजीक्यूटिव इतना स्कोर ऑफ नाइन्टी वन पॉइंट टू परसेंट ये वही आ, वो कहते हैं ना शर्मा जी का बेटा है शर्मा जी की बेटी नाइन्टी वन पॉइंट टू परसेंट लेके आ रहे हैं ऐसे टेंथ में, में मेरा स्कोर टेंथ सीबीएसई बोर्ड में, में मेरा भी इतना ही स्कोर था नाइन्टी वन पॉइंट टू परसेंट तो पिछले कितने सालों से आइसलैंड जो है वो रैंक वन पे है एज द मोस्ट जेंडर न्यूट्रल कंट्री द करेक्ट आंसर ध्रुवी बहुत सही वेरी गुड फोर्टीन फोर्टीन कंजीक्यूटिव से जो है आइसलैंड जो है वो मोस्ट जेंडर न्यूट्रल कंट्री जो है वो बना हुआ है ऑल राइट क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यू के बारे में पूछ रहा है International non-governmental and lobbying organization for multinational companies based in Klogny, Canton of Geneva, Switzerland. Founded on uh, 24 Jan 1971 by German engineer Klaus Schwab. First named the European Management. First first name was uh, European Management Forum. Changed its name to 1987. Sought to broaden its vision to include providing a platform for resolving international conflicts. <coughs> Question number ten. एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर टेन अगेन अप्लाई द चीट कोड न थ्री आर एबसोलूटली करेक्ट विच इज ओके सो डब्ल्यूफ जो है वो एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉबी करता है बेसिकली एसेंशली इकोनॉमी इकोनॉमिक फोरम्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में uh, जो है वो काम करता है मल्टी नेशनल कंपनीज के लिए एंड uh, ये क्लोगनी कैंटिन जिनेवा स्विटरलैंड में है सिचुएटेड है ट्वेंटी फोर्थ जैन नाइन में क्लॉश श्वाब जो है उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था पहला नाम इसका यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था जिसको बाद में 1987 में चेंज करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रख बना दिया गया ठीक है तो आर सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो डब्ल्यूफ दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ ना मूविंग टू द थर्ड एंड द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे दैट विल बी डूइंग विच इज द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी टू गवर्न द हाई सीज बायोडो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिस्डिक्शन ट्रीटी ठीक है इसको बी बी एन जे वाई ट्रीटी भी कहते हैं नहीं वाई नहीं है ठीक है सो बायोडा बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिस्डिक्शन ट्रीटी जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी है जो कि हाईसीज को गवर्न करती है ओके आ, एक बार मैं फिर से आप लोग को बता देता हूं कि हाईसी क्या होता है मैं आपको वो बता दे रहा हूं जैसे ये ना ये लैंड है किसी देश का सो यहां से ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक जो होता है आपका टेरिटोरियल वाटर होता है ठीक है उसके बाद आपका होता है कॉन्टीन्यूस जोन इसके भी आगे होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ठीक है और इसके आगे होता है सीज तो सीज जो है वो वर्ल्ड वाटर है वो पूरे दुनिया का सबका पानी है उस पर किसी का एक किसी एक व्यक्ति का एक किसी एक कंट्री का जो है वो राइट नहीं होता है टेरिटोरियल वाटर जो है वो एक्सटेंशन होता है आपके किसी भी देश का कोस्टल देश का तो उसके आगे तक जितना भी है आपका टेरिटोरियल वाटर जो है वो एक्सटेंशन ऑफ लैंड मासी होता है कंटिग्यूस जोन जो है अगेन कंटिग्यूस जोन जो है वो आपके कोस्टल नेशन का ही पानी होता है लेकिन यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है उसके पास फ्रीडम है मूवमेंट करने का वो अपना शिप लेके आना चाहता है तो वो लेके आ सकता है उसको बस अपना यू नो झंडा जो है फ्लैग जो है वो शो करते हुए जाना होता है राइट बट कंटिग्यूएस जोन में यू हैव ऑल द राइट ऑफ विजिटिंग एंड मूविंग और आपको जो कुछ भी करना है लेकिन अगर आप यहां पे कोई एक्टिविटी करना चाहती है कोई कंट्री कोई वेसल कोई शिप कोई सबमरीन अगर ये कोई एक्टिविटी करनी चाहती है एक्टिविटी करना चाहता है कंटीग्यु जोन में तो उसको परमिशन लेना पड़ता है ठीक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है अगेन right you know, कुछ भी करना है कोई भी इकोनॉमिक कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो उसका पूरा राइट right जो है वो आपका कोस्टल लैंड के पास होता है लेकिन मान लो अब आपको कुछ करना है किसी दूसरे नेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल डालना है आप बिल्कुल परमिशन लो जो भी अग्रीमेंट होता है पैसे वैसे दो और आप वहां पे अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी पूर्ण रूप से करो इसके बियॉन्ड जो है उसके बाद फिर आपके किसी का कोई राइट right नहीं होता है ठीक है तो वही है कि आ, आपके हाईसीज की जब हम बात करते हैं तो उसी के ऊपर जो है आपका एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो है टू गवर्न हाईसीज जो है वो बना बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिस्डिक्शन ट्रीटी तो ये यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी को आफ्टर मोर देन 15 इयर्स ऑफ डिस्कशन यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेस बहुत ही सिंपल सा था तो इसलिए इस पर कोई क्वेश्चन है नहीं उन, उनके हिसाब से एक हिस्टोरिकल यू नो अचीवमेंट है रीजन बींग सिक्सटी परसेंट ऑफ द अर्थ सर्विस इज कवर्ड बाई दाई सीज अब 60% हाई हाईसी इसलिए कह रहे हैं कि 60% पे किसी का भी क्लेम नहीं है मतलब किसी एक कंट्री का क्लेम नहीं है बाकी सारे पानी पे तो क्लेम है ठीक है so, सो इसमें और तो इसके अलावा कुछ दिया नहीं है आई थिंक नथिंग हैज बीन रिड्रेक्टेड है ना सो नाउ वी विल हैव टू हैव अ लुक एट द क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन नंबर इलेवन एंटोनियो गुटेस इज द डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन उनका नंबर पूछा है हा 24 नॉटिकल माइल्स तक बिल्कुल सही 24 फोर माइल्स तक कंटिन्यूअस जोन 200 हंड्रेड माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ठीक है बिल्कुल सही एंटोनियो गुटेरस इज द डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द करेक्ट आंसर उप्स द करेक्ट आंसर इज नाइन्थ बिल्कुल सही सिंकी लगता है तुम अभी आई हो और आते के साथ ही तुम्हारा आंसर सही भी हो गया शाबाश नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज एंटोनियो गुटेरस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ट्रीटी 193 मेंबर स्टेट्स एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज विच कवर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड लाई बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज

गलत है इसको ना एक बार चेक करते हैं जस्ट गिव मी अ सेकेंड आई विल ऑल्सो क्रॉस चेक दिस तुम लोग भी प्लीज जल्दी से चेक करो तो यार प्लीज मेरे को बताओ इसमें यार ये मिल नहीं रहा है ये वाला नहीं नहीं मैनी ऑब्स्टेकल्स के वजह से गलत नहीं है ऑब्स्टेक देखो इंटरनेशनल लॉ में कुछ भी तुरंत तुरंत तो होता नहीं है ठीक है लेकिन मेरे को ये ट्वेंटी इयर्स वाला सही नहीं लग रहा है बट देन ध्रुवी सिंह यू सही है हाँ देखो मिल गया गार्जियन का आर्टिकल मिल गया आफ्टर ऑलमोस्ट ट्वेंटी इयर्स ऑफ टॉक्स यूएन मेंबर स्टेट्स अग्री ऑन लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर पार्ट्स ऑफ द ओशन आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज द गार्जियन का आर्टिकल मिल गया सो यस ट्वेंटी इयर्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट सी इज राइट ठीक है नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर 20 साल से करीब जो है वो डिस्कशन जो है वो चल रहे थे इसके ऊपर ठीक है सो ऑल ऑल द द्री ऑप्शन करेक्ट ठीक है ए और बी तो खैर बहुत ईजी था वन नाइन थ्री में सही है और दूसरा क्या है कि टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन द हाई सीज ये हम लोगों ने देखा ही था हमने डिस्कस किया ही था ए बी तो करेक्ट था लेकिन सी में थोड़ा सा डाउट था बट सी इज अगेन आल्सो करेक्ट वो हमने क्रॉस चेक कर लिया चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन द ट्रीटी विल कम इन टू फोर्स आफ्टर डैश कंट्रीज हैली वही कह रहा है कि ट्रीटी विल कम इन टू फोर्स आफ्टर कितनी कंट्रीज जो है उसको रेटिफाई कर देगी हाउ मेनी कंट्रीज विल रैटिफाई इट टू डेकेट इन द मेकिंग सही बात है ठीक है देखो कई बार क्या होता है ना कि ऐसी कुछ चीजें जो है ना हम लोग पढ़ना मिस कर देते हैं जैसे आर्टिकल मैं मैं एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं जैसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था इस आर्टिकल के इट हैज बीन ऑलमोस्ट टू इन इन द द मेकिंग मेकिंग ऑफ बट लेट ऑन सैटरडे नाइट इन न्यूयॉर्क आफ्टर तो मैं ना ये सबको स्किप मार देता हूं इस टाइप के तो कई बार इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो छुपी रह जाती हैं तो होता है यार ये सब हाँ सो खैर एनी वे द करेक्ट आंसर इज सिक्सटी आफ्टर सिक्सटी कंट्रीज जो है वो रेटिफाई कर देंगी उसके बाद ये ट्रीटी जो है वो फोर्स में आ जाएगा रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है रेटिफिकेशन का मतलब होता है अपने डोमेस्टिक लॉज में अपने डोमेस्टिक लॉज में चेंज लेके आना ओके okay. चलो कोई बात नहीं कंफ्यूजन तो होता रहता है यार एज लॉन्ग एस्ट कंफ्यूजन जो है वो आपका हो प्रेपरेशन के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है वर्ल्ड ओशंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट वर्ल्ड ओशंस डे ओशंस इलेवन क्या तुम लोगों ने ओशंस इलेवन मूवी देखी है अगर ओशन इलेवन मूवी नहीं देखी है तो बिल्कुल देखना गुड मूवी वेरी गुड मूवी आई थिंक इसका कॉपी इंडिया में भी बना है करेक्ट आंसर एट जून ठीक है सो ध्रुवी इट राइट चलो एट जून इज द करेक्ट आंसर कोई नहीं सिंह फिर गलत हो गया सो ओशन डे जो है वो एट ऑफ जून को जो है वो मनाया जाता है फाइनल क्वेश्चन इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज एजेंसी है ऑफ यूएन एन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग शिपिंग ठीक है आईएमओ वाज ओ फॉलोइंग अग्रीमेंट एट यूएन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जीनीवा इन विच ईयर अच्छा तो बेसिकली तुमसे पूछ रहा है डायरेक्ट अगर पूछे तो आईएमओ इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब इस्टैब्लिश हुआ था किस साल इस्टैब्लिश हुआ था यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की जो कि शिपिंग को रेगुलेट करती है ठीक है सो आईएमओ जो है वो कब इस्टैब्लिश हुआ था किस साल में इस्टैब्लिश हुआ था जो कि इस्टैब्लिश हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में बट विच ईयर इस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एंड द करेक्ट आंसर इज नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी एट 1948 इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो आई आईएमओ जो है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 फोर्टी स्विट्जरलैंड में बनाया गया था वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की रैंकिंग ठीक है तो इसके ऊपर जो है वो आपसे आप पैसेज जो है वो पूछा जा रहा है एंड अब ये पैसेज जो है देखो यहां पे एक चीज तो हमको दिख रहा है कि एक्स एक्स दिया हुआ है एक फिल इन द ब्लैंक है वैसे हमको ये पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप एग्जामिनेशन में या अपने मॉक टेस्ट में ये पूरा पैसेज बिल्कुल मत पढ़िएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं क्वेश्चन आएंगे आपको नॉलेज बेस्ड ही राइट right? तो ऑन दैट बेसिस कि अगर नॉलेज बेस्ड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आई शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स तो आइए चलिए देखते हैं वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने शेयर किया रैंकिंग ऑफ द मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज टॉप का जो है वो आपको मतलब हटा दिया गया वो आपको बताना है कि सबसे uh, सबसे ज्यादा क्रिमिनल कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है सेकेंड uh, में बताया पापुआ न्यू गिनिया अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका हॉनड्रस ट्रिनेडाट गुआना सीरिया सोमालिया जमैका ऐसे जो है वो टॉप टेन कंट्रीज हैं जहां पे कि सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो कमिट होता है यूएस यूके इंडिया से आगे हैं क्रिमिनल रैंकिंग कंट्री में मतलब वो ज्यादा ही वहां पे भी क्राइम रेट जो है वो इंडिया से ज्यादा है एंड लेकिन अगर देखें तो टर्की जर्मनी जापान जो है ये लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज हैं जिनकी रैंकिंग नाइनटी सेकेंड हंड्रेड हंड्रेड एंड फिफ्थ जो अगर देखें तो जापान जो है वो हंड्रेड एंड फिफ्थ रैंक पे है विच मीन कि बहुत ही ज्यादा कम बहुत ही कम क्राइम रेट जो है वो वहां पे है तो आइए चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट हाँ बिफोर द मैंने आपके लिए लेके आ गया uh, तो अगर आप देखोगे तो फिफ्टी पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सिक्सटी पे है यूके और सेवेंटी पे है अपना इंडिया ठीक है सो सेवेंटी रैंक पे सो अगेन इन कंपेरिजन टू यूएस एंड यूके हमारे यहां फिर भी कम क्राइम अगर देखा जाए तो हो रहा है ठीक है चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस एक्स इन द पैसेज और वो एक्स क्या था द फर्स्ट रैंक जिसको कि हम कहेंगे मोस्ट क्रिमिनल कंट्री मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो कौन सा है क्वेश्चन नंबर वन अगर आपने प्रीवियस स्लाइड को भी अच्छे से देखा होगा तो आप इसको सही से आंसर कर सकते हो द मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेनेजला बिल्कुल ठीक है वेनेजला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है वैसे आपको वेनेजला के बारे में बता दूं एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है आ, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस काफी अबंडली अवेलेबल है अगर वो चाहें उसको तो काफी अच्छे से जुडिशियसली यूज कर सकते हैं बट द सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेनेजुएला का है इज यू नो द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जो वहां के जो रूलिंग क्लास है वो बहुत ही ज्यादा करप्शन है वेनेजुएला में जिसके कारण की यू you नो know, वो लोग काफी ज्यादा ग्रो एंड डेवलप नहीं कर पाए खुद को वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इंडिया हैज बिन रैंक दिया था इंडिया की रैंकिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग क्वेश्चन नंबर टू इंडिया की रैंकिंग जो है वो किस पोजिशन पे है इन दर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज यह मैंने आपको दिखा दिया था ऑलरेडी पहले सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू इज यस सिंह की बिल्कुल सही सेवेंटी सेवन ठीक है ये हम लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी पहले ठीक है तो सेवेंटी सेवन आपसे रूटली करेक्ट सो देख रहे हो अगर आपको नॉलेज है लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर आपने सिर्फ ये लिस्ट भी देखी होती है ना तो इससे हम दो क्वेश्चन कर लिए एक कि सबसे ज्यादा मोस्ट क्रिमिनल कंट्री जो है वो है वेनेजुएला और इंडिया की रैंकिंग जो है वो है सेवेंटी सेवेंथ तो देख रहे हो अगर हमको नॉलेज रहता है ना तो दो नंबर तो हमारे ऐसे ही सेट हो गए so अगर हमने पढ़ाई करी है तो हमारे दो नंबर देखो ऐसे ही एकदम फटफट फटफट -फट हो गए इसमें कोई दिमाग बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है चलो आओ क्वेश्चन नंबर थ्री पे 2021 ऑपरेशन सजग अ मेजर टू रिड्यूस क्राइम इन सोसाइटी वाज लॉन्च्ड इन विद स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑपरेशन सजग क्वेश्चन नंबर थ्री है जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसके आ, इसका आंसर आपके हिसाब से ऑपरेशन सजग एंड द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑप्शन बी डेली ठीक है डेली बीइंग द यूनियन टेरिटरी उसने ऑपरेशन सजग जो है टू रिड्यूस क्राइम इन द सोसाइटी इसको लॉन्च किया था चलिए कोई नहीं क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं विच ऑर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है इसमें जो कोई शायद गलत हो या सही हो हाई गुड इवनिंग अनुष्का द क्राइम रेट विच इज क्राइम इंसिडेंशन इन इंडिया हैज्रीज फ्रॉम फोर एटी सेवन पॉइंटी ट्वेंटी टू फोर फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अमंग स्टेट्स केरला हैज द हाईस्ट क्राइम रेट एंड नागालैंड हैज द लोएस्ट क्राइम रेट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओवरऑल दिल्ली हैज द हाईएस्ट क्राइम रेट एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हैज द लोएस्ट क्राइम रेट इन 2021 अब इसमें बताओ कि कौन सा इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज क्योंकि ये सभी जो भी ऑप्शन आपको दिए हैं एबीसी ये एब्सोल्यूटली करेक्ट है ठीक है <coughs> चलो <coughs> Moving on to question number five, the criminal procedure dash allows police officers or prison officers to collect certain identifiable information such as fingerprints, biological samples from convicts or those who have been arrested for an offence. So, this criminal procedure, is the act, is the what is the name of this law? The complete name of this law the Criminal Procedure Samples Act, two thousand and twenty-two. the criminal procedure punishment act 2022 the criminal procedure marks act 2021 ya fir the criminal procedure identification act 2022 what is the name of this law jo ki police ko allow karta hai ya prison officers ko allow karta hai ki wo convict ke ya fir jinko arrest kiya gaya hai unse kuch material uh, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी की जा सके वो कलेक्ट कर सकती है लाइक फिंगरप्रिंट्स बायोलॉजिकल सैंपल जैसे हेयर डीएनए सैंपलिंग है ना ये सब एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यस बिल्कुल सही ध्रुवी वेरी गुड द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज द इंटायर नेम जो कि अलाउ करता है पुलिस को या प्रिजन ऑफिसर्स को आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ठीक है वेरी गुड चलो नाउ द सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इज फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जो कि 2023 में आया है ठीक है सो ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस जो है उसने रिलीज किया फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स फॉर 2023 देखो इंडेक्सेस इंडाइसिस के जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इससे एक ओवरऑल uh, टेस्ट होती है कि आपको इंडिया के बारे में कितना पता है और प्लस आपको वर्ल्ड

फ्रीडम हाउस ग्लोबल वॉश डॉग है कुछ वाई दिया हुआ है तो ये जरूर उसका कॉन्टेक्ट समझ लेते हैं फ्रीडम हाउस रैंक तिब्बत अलोंग विथ एक्स एंड वाई मतलब अच्छा ठीक है सो so, तुमसे टॉप थ्री पूछ रहा है टॉप सबसे पहला वाला तुमको दे दिया तिब्बत सेकेंड एंड थर्ड में कौन है वो तुमसे पूछ लिया तो आगे नॉलेज वाली बात है ठीक है आइए चलिए फिर ऐसा है कि देखते हैं एंड अगेन जैसा कि आप जानते हो तिब्बत जो है वो एक कंटेंशियस जोन है एक इशू है जहां पे कि चाइना जो है वो अपना एसर्ट करता है अपना क्लेम और चाइना का डोमिनेंस जो है वो तिब्बत के ऊपर है आ, अगर आप देखोगे तो तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं जो स्पिरिचुअल गुरु हैं दलाई लामा वो आ, मतलब उन्होंने अजाइलम लिया हुआ है इंडिया में एंड चाइना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि यू you नो know, आप इंडिया में उनको सेफ हैवन दिए हुए जहां से कि वो चाइना के अगेंस्ट या यू you नो know, जो भी वो करना चाहते हैं बोलना चाहते हैं पीस प्रमोट करना चाहते हैं सो बेसिकली तिब्बत के ऊपर जो है कंट्रोल है वो पूरा का पूरा चाइना का है ठीक है सो लाओ लेटेस है लुक एट द क्वेश्चन सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स विच आर द फॉलोइंग रिप्लेस एक्स एंड वाई इन द पैसेज तो अगर सबसे ऊपर तिब्बत है ठीक है तो सेकेंड और थर्ड पे कौन है सीरिया एंड सुदान जॉर्डन एंड इराक ईरान एंड इराक अफगानिस्तान एंड म्यांमार लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर तिब्बत एंड द करेक्ट आंसर इज सीरिया एंड सुदान ठीक है द करेक्ट आंसर इज सीरिया सुदान ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं

ध्रुवी वॉट इज बी डी बट ठीक है यस डी इज द करेक्ट आंसर नाइनटीन फिफ्टी नाइन बिल्कुल सही वेरी गुड चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट विच आर सेलिब्रेटेड एज तिबेन न्यू ईयर तिबेतियन न्यू ईयर को किस नाम से बुलाया जाता है लोहांग लोसार म्योको मुरुंग तिबेतियन न्यू ईयर का एक्चुअल नेम जो है वो क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर थोड़ा आंसर आंसर लिख लिखा करो यार ऐसे समझ में नहीं आता किसका लिख रहे हो मतलब मुझे कोई ईयर बोल, कि so so जो है उसको कहा जाता है लोसार उसका एक्चुअल नेम रियल नेम तिबेतियन नेम जो है वो लोसार है ओके okay? ना ये जो है आपके बुद्धिस्ट इक like, लाइक like, जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो मनाते हैं उनका न्यू ईयर है और उसको कहते हैं लोसार नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि ये बुद्धिस्ट जो है वो कहाँ पे हैं इंडिया में है नेपाल में है तिब्बत में है किस एरिया में आ, रह रहे हैं आ, तो उस पर डिपेंड करता है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है इसका कोई फिक्स्ड डेट नहीं है इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन एंड द ट्रेडिशंस दैट दीज पीपल द बुद्धिस्ट पीपल फॉलो ओके मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन ये बड़ा ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है

वो किस साल को हुआ था 24 अक्टूबर के जिसको कि लेटर उन्होंने मना कर दिया था यह कि उनसे जबरदस्ती ड्यूरेस के अंडर उनसे साइन करवाया गया था सो so आपको वो ईयर बताना है कि 17 पॉइंट अग्रीमेंट बिटवीन तिब्बत एंड चाइना ये कब साइन हुआ था इन विच ईयर ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर विच ईयर 1951 हंड्रेड एंड फिफ्टी वन इज एप्सोलूटली करेक्ट वेरी गुड सिंह की वेरी गुड नाइनटीन फिफ्टी वन इज एबसोलूटली करेक्ट नावी टेंथ क्वेश्चनियन अपराइजिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे कमोमरेटिंग द तिबेतियन अपराइजिंग अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन तिबे सिंपल क्वेश्चन तिबेतियन अपराइजिंग डे किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है फोर्थ फेब्रुवरी टेंथ मार्च फोर्टींथ जून एटीन ऑफ ऑगस्ट Question number 10. The Tibetan uprising day is observed on which of the following day? <coughs> and the correct answer is, Bilkul sahi. Very good Anushka Sinki, very good. 10th of March is absolutely the right answer. Shabash. Kya baat? Very good. Now we come to the third and the final topic for today's class. विच इज द अग्निपथ स्कीम ओके नाउ अग्निपथ स्कीम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये ये काफी ज्यादा जो है वो टॉपिक लाइक चर्चा में रहा था सो दिस इज समथिंग विच इज पॉपुलर ठीक है रेलेवेंट, एज वेल एज इंटरेस्टिंग ठीक है सो एनीथिंग जो ये तीनों है

इन द फोर्थ ईयर और जब उन उनके चार साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको एक सेवा निधि पैकेज दी जाएगी इलेवन पॉइंट सेवन वन लाख की जो कि इंक्लूडिंग होगा इंटरेस्ट के और जो कि होगा कंप्लीटली टैक्स फ्री इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगेंगे और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिव इंश्योरेंस कवर जो है वो फोर्टी लाख रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस जो है वो दे रही है गवर्नमेंट टू uh, ऑल द अग्निवीर एंड uh, ये इनको ना एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि जॉब के बाद मतलब इस फोर uh, इयर्स के टेन ईयर के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ठीक है सो दिस इज वाट इज़ अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल अबाउट द अग्निपथ स्कीम एंड अबाउट वाट द अग्निवीर वुड बी डूइंग और इस स्कीम के इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बीच में आपको याद होगा कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट हुआ था बहुत ज़्यादा यू नो इसके ऊपर क्लैशेज हो गए थे इनफैक्ट जो लोग आ, आर्मी एग्जाम्स की तैयारी वगैरह कर रहे थे बट द बेसिक आइडिया बिहाइंड अग्निपथ स्कीम कि जो इंडियन आर्मी में जो मीडियम एज आ, जो 23 साल के अराउंड की चली गई थी उसको थोड़ा सा कम करके लेके आना था अराउंड 18-19 इयर्स के अराउंड उस एवरेज एज को कम करके लेके नीचे लेके आना था ठीक है सो एंड ये शॉर्ट ड्यूरेशन का वो होता है आ, देखो कई सारी कंट्रीज में कैसा होता है ना कि लाइक फॉर दैट मैटर कोरिया में चाइना में इवन ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत सारी कंट्रीज में कैसा होता है एक कॉन्सेप्ट uh, होता है जिसको कहते हैं कंपलसरी मिलिट्री कंपल्सरी मिलिटरी कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस जो आपको देनी पड़ती है आपको उस देश के आपको अपने देश के लिए आ, खड़े होना पड़ता है आपको अपने देश के लिए उनके मिलिट्री में जाके काम करना पड़ता है ठीक है और ये कंपलसरी होता है मैंडेटरी होता है तो कई सारी कंट्रीज में है लाइक फॉर दैट मैटर कोरिया में चाइना में ये सभी जगह पे है ओके राइट तो इंडिया में अगर देखा जाए तो इसको कंपलसरी भी नहीं किया गया और इट्स नॉट लाइक कि भाई फिर uh, हम आपको कंप्लीटली पूरे ड्यूरेशन और पूरे टेन ईयर के लिए लेंगे बिकॉज क्योंकि उसके साथ ना बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है विथ एवरी वी इंडक्ट और यू नो टेक इन उसके साथ एक बहुत लंबी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है तो इन इनऑर्डर की ना ली जाए किसी के ऊपर किसी की इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला शॉर्ट ड्यूरेशन में रखो कंपलसरी भी नहीं करते हैं आपको मन है आप आओ नहीं मन है आप कोई बात नहीं आप बताओ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है आपके साथ लेकिन हाँ दीज आर द बेनिफिट्स दैट वी आर गोइंग टू गिव एंड दिस इज द ओनली बेनिफिट दैट वी कैन गिव लेकिन हाँ आपको स्किल सर्टिफिकेट जरूर देंगे ताकि आपको आगे जाके काम करने में आसानी हो और ऐसा है कि अगर मान लो आप इक्कीस साल तक भी काम कर कर लेते हो तो ऐसा भी नहीं है कि आप इक्कीस साल के बाद जाके पढ़ाई नहीं कर सकते आप कोई डिग्री नहीं ले सकते तो आप उसके साथ बाद में जाके डिग्री लेके फिर और कुछ कर लेना विथ स्किल सर्टिफिकेट तो इन अ गुड इंटेंट जो है गवर्नमेंट का जो है इंटेंशन uh, था विथ बिहाइंड अग्निपथ स्कीम नाउ सो दिस इज वॉट ठीक है सो ये पैसेज है इसमें ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कुछ नहीं दिख रहा चलो ठीक है नाउ लेट अस गो एंड लुक एट द क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट डिसमिस टू प्लीज चैलेंजिंग द दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग सेंटर्स अग्निपथ स्कीम यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर यूथ टू सर्व इन द थ्री सर्विस ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन विच ईयर अरे ये तो बहुत ही ईजी है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस वुड बी क्वेश्चन नंबर इलेवन यूनियन so कैबिनेट ने किस साल अग्निपथ स्कीम को अप्रूव uh, किया था इस क्वेश्चन नंबर इलेवन एंड द करेक्ट आंसर इज 2022 2022 में हुआ था ठीक है 2022 थाउजेंड एंड इज द करेक्ट आंसर राइट ठीक है सिंकी अनुष्का करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं देखो कभी भी हड़बड़ी में ना ऐसे

कितने परसेंटेज ऑफ अग्निवीर्स को जो है अलाउ किया जाएगा 15 इयर्स ऑफ परमानेंट कमीशन में आगे चार साल के बाद काम करने के लिए 15 परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट या फिर 50 परसेंट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड द करेक्ट आंसर इज यस बिल्कुल ध्रुवी वेरी गुड 25 परसेंट वन फोर्थ जो है मतलब हर चार अग्निवीर में एक को आगे कंटिन्यू करने का मौका दिया जाएगा कि आप पूरा जो आपके जो पूरे फिफ्टीन ईयर्स का टेन है अब वो पूरा करो बाकी लोगों को चार साल के बाद बोला जाएगा कि आप है ना आप आप निकल जाओ ऑल राइट सो ट्वेंटी फाइव परसेंट इज द करेक्ट आंसर चलो क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं द स्कीम वॉज बींग पुश्ड बाय लाइक इस स्कीम के पीछे हु वॉज वेरी ब्लेटेंटली इन्वॉल्व जनरल वीके सिंह जनरल बिपिन रावत जनरल एम एम जनरल मनोज कुमार पांडे दिस स्कीम वॉज बींग नंबर बान एंड द करेक्ट आंसर इज जनरल बिपिन रावत ठीक है जनरल बिपिन रावत जो है वो काफी पुश कर रहे थे इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके, द स्कीम ऑफ अग्निपथ ठीक है Chalo. Moving on to question number 14. Which of the following statement is incorrect? It is only for personal below officer ranks, those who do not join the forces as commissioned officers. TK. Commissioned officers are the Army's highest ranked officers. Uh, hold an exclusive commissioned officers hold an exclusive rank in the Indian Armed Forces. दे ऑफन होल्ड अ कमिशन अंडर द प्रेसिडेंट सॉवरिन पावर एंड आर ऑफिशियली इंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द कंट्री या फिर इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन इज ऑफ दीज ओके ऑल दीज ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं वो एब्सोलूटली करेक्ट है सो ये जो अग्निवीर स्कीम है जो अग्निवीर होते हैं ये वो पर्सन होते हैं जो ऑफिसर रैंक के नीचे होते हैं ऑफिसर रैंक से आपको परमानेंट कमीशन मिलती ही मिलती है ठीक है वहीं से उनकी एक्सक्लूसिव रैंक होती है इंडियन आर्मी में एंड वो प्रेसिडेंट के सील एंड सोवरिन के अंडर जो है वो एक्ट करते हैं तो ऑल ऑफ आर एप्सल करेक्ट कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन द फर्स्ट बैच ऑफ ट्वेंटी मतलब टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी फाइव Including 273 women of the Indian Navy passed out from the portals of Dash in Odisha. The first batch of 2585 Agnivirs, including 273 women of the Indian Navy, passed out from INS Chilka, INS Ranvijay, INS Shivalik, INS Ranjit. Question number 15. Final question of the day. हाँ, बिल्कुल सही आई एन एस चिल्का इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड अनुष्का शाबाश क्या बात है आई एन एस चिल्का इज द करेक्ट आंसर ठीक है द गवर्नमेंट ऑफ ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट तेईस ये काफी इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा न्यूज में था ठीक है ये काफी ज्यादा न्यूज में था वेरी हाईलाइटेड एंड देयर फॉर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ना देखो अब क्या कैसा है कि मैं हर क्लास में आपको स्टार्टिंग में ये जरूर बताता हूं कि ना आप सबसे पहले बस पहला दो तीन लाइन देख लेना

सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगी ना कि स्टेट गवर्नमेंट के ठीक है तो यही ये, ये वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन है अब ये सब बाकी कुछ पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं बस एक बार जल्दी से नजर फेर लो और ये देख लो कि नहीं इसमें कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है ठीक है तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है तो अब सीधे फटाफट क्वेश्चंस पे आ जाओ तो अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट जल्दी से देखो और बताओ कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। डी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ एनसी अथॉरिटी इज थ्री द अथॉरिटी टू आर ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन बाय अथॉरिटी आर टू बी टेकन बाई मेजॉरिटी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन विल बी फाइनल तो इसमें ये कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ द अबव आंसर ऑल द अब ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं ये तीनों चीजें जो है वो बिल्कुल सही है कि ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की बात की गई है चीफ मिनिस्टर एक मेंबर हैं दो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम किस लिए है इलेक्टेड गवर्नमेंट से क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक सीएम दिया है और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो किसके अंडर आते हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जो कहेगी करने के लिए ये वही करेंगे तो चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई उसके बाद अगर मान लो कोई ऐसा कुछ होता भी है कि यहाँ पे एक तो तीन लोग के बीच में मतलब कोई डिस्प्यूट जनरली होगा नहीं दो लोग एक तरफ होंगे एक तरफ एक ही जन होगा इट विल ओनली बी कि कोई एक बोले कि मैं कोई डिसीजन ही ले लूंगा तभी डिस्प्यूट हो सकता है बट ऐसा जनरली होगा नहीं तो ऐसा केसेस होगा तो अभी किसके पास जाएगा मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है गवर्नर जो है वो किसके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी हमको इलेक्ट करा के हमने सरकार बनाई किस लिए है जब सब कुछ करना आपने खुद ही है इनडिरेक्टली अगर मतलब आप डायरेक्टली इलेक्शन नहीं जीत सकते तो आप इनडायरेक्टली हमसे हमारा पावर ले डिस्प्यूट इज ठीक है तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है जैसे मैं क्या करता हूं ना जब मैं देखता हूं गवर्नमेंट ऑफ मतलब मैं स्क्रोल कर लेता हूँ नजर घुमा लेता हूं मेरे को समझ में आता है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड थर्टीड ट्वेंटी थ्री सॉरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात कर रहा है मतलब जो हम लोग जान रहे हैं कि एनसीटी वाले अमेंडमेंट बिल की डेली वाले अमेंडमेंट बिल की ही बात कर रहा है ठीक है तो ऑन कंट्रोल ऑफ सर्विस इन दिस प्रेसिडेंशियल एसेंट who amongst the following is the अरे देखो अब ये ये वाला पूरा पोर्शन जो है ना ये टाइम वेस्टर है पहला तीन ढाई तीन लाइन जो है who amongst the following is the longest serving chief minister of delhi ये है तुम्हारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ठीक है एसेंशियली ये जो है पूरा तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए दिया हुआ है ये गलत नहीं है इट्स जस्ट लाइक ये तुमको टाइम वेस्टर है तुम्हारे लिए तो बताओ मदनलाल खुराना शीला दीक्षित साहिब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित अरे यार ये तो आ, दो ऑप्शंस एक ही बार आ गए तो क्वेश्चन नंबर टू का क्या करेक्ट आंसर होगा द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू इज शीला दीक्षित ठीक है अब देखो अगर तुम इसमें बी और डी दोनों बोलते तो वो सही था क्योंकि ऑप्शन ही सेम हो गया ये मेरी गलती है ह्यूमन एरर है एंड आई टू टू अर इज ह्यूमन ठीक है टू फॉरगिव इज डिवाइन तो ये मेरी गलती थी दो ऑप्शन सेव हो गए बट ठीक है दो तो इधर बी और डी तुम कोई भी कहते तो मैं तुमको ये आंसर बिल्कुल करेक्ट देता शीला दीक्षित इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ चलो आज पहले क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हेल्ड किया लेजिस्लेचर ब्यूरोक्रेट्स एक्सेप्ट इन एरियाज आउटसाइड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ एनसीडी विच आर थ्री एरियाज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ओके विच आर द थ्री एरियाज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ डेली गवर्नमेंट एज अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री कौन से तीन एरियाज हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज कही है एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर थ्री इज पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड ठीक है पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड जो है ये तीन एरियाज़ हैं, ये तीन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट की पावर नहीं है नो no पावर। बाकी इन तीन टॉपिक्स को छोड़ के जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी एरियाज हैं सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि दिल्ली सरकार के पास वो पावर रहेगी ठीक है चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर पे आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डीलिएट्स द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ डेली गवर्नमेंट वाइल क्लैफाइंग थ्री सब्जेक्ट लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर शैल रिमेन अंडर द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द सेंटर इन द कैपिटल अच्छा तो ये वही वाली बात होगी कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड ये तीन सब्जेक्ट जो है इनको छोड़ के सभी पावर्स डेली गवर्नमेंट के पास है यह कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है आपको ये अगेन स्टैटिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है यह इधर आपको आएगा या फिर आपको यह नहीं आएगा एंड द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल सही सचिन शाबाश। 239 थर्टी नाइन डबल ए इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक डेली गवर्नमेंट कंटेडेड टू द एक्ट वॉयलेट द डॉक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एक्ट प्रोवाइड गवर्नमेंट रेफर टू इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डेली विल एम्प्लाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ओके ठीक है यह वाला क्वेश्चन है कि अब तुमसे पूछ रहा है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली एमेंडमेंट एक्ट ऑफ विच इज द कंटेंडेड कौन से साल का ये लॉ है जिसमें ये डिस्प्यूट आ रही है किस साल का ये लॉ है एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर फाइव इज 2021 उसके बाद फिर फाइनली फिर से 2023 में फिर अमेंडमेंट लाया गया क्यों लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करना था ठीक है तो ओरिजिनली जो ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ ये 2021 से ही स्टार्ट हो गया था जब ये एक एनसीटी ऑफ डेली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है सो so 2021 ट्वेंटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज दैट विल बी और राधर दैट हैज रिसीव्ड दोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है तो एसेंशियली राज्यसभा में भी पास नहीं हुआ है तो एसेंशियली बेसिकली तीन क्रिमिनल लॉज है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल भारतीय न्याय संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य बिल ठीक है एसेंशियली द इंडियन पिनल कोड द क्रिमिनल प्रोसीजियर कोड एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट ये तीनों लॉ को चेंज करने की जो बात हुई वो आपके लिए एक नया टॉपिक जो है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ठीक है तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले तो आज अच्छा एसेंशियली वी हैबाउट दिस टॉपिक हमको एक बेसिक आइडिया तो है कि यार तीन लॉस को रिप्लेस करने के लिए लोकसभा में लेके आया गया था बिल जो की लोकसभा में तो पास हो ही गया था अच्छा देखो अब यहां पे एक एक्स दिख रहा है मेरे को इज़ फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी से देख लो और कहीं पे है नहीं और कहीं नहीं है तो अब यार ये एक्स को देखने के लिए ना ये वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा आईपीसी विच वॉज ट्रेन बाई द ब्रिटिश इन दर एटीन सिक्सटी द कोर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर मोर देन सिक्सटी ईयर एंड सेडिशन ओके सेडिशन का बेसिकली तुमसे पूछ रहा है कि सेक्शन नंबर क्या है अंडर इंडियन पिनल कोड सेडिशन जो ऑफेंस है उसको किस तरीके और उसको किस सेक्शन में क्रिमिनलाइज किया गया है दैट इज द क्वेश्चन लुक एट द क्वेश्चन नाउ दिस वुड बी क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट बताओ कौन सेक्शन में सेडिशन uh, को जो है उसको क्रिमिनलाइज किया गया है दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इस पैसेज में पूछा गया है यस एब्सोल्युटली करेक्ट हेमांग वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज 124 ए बिल्कुल सही 124 ए में सेडिशन को जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है ऑल राइट द इंडियन पीनल कोड में चलो सेवेंथ में आ जाओ रिसेंटली द डैश लॉ कमीशन रिपोर्ट रिकमेंड्स रिटे अच्छा तो सबसे लेटेस्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट कौन सी है बाकी पूरा पढ़ने का तुमको जरूरत ही नहीं है तुमसे बस यही पूछ रहा है कि लेटेस्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट जिसने ये रिकमेंड किया है कि सेडिशन जो है इंडियन पीनल कोड का पार्ट रहना चाहिए तो व्हाट वाज़ द लेटेस्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट क्वेश्चन नंबर सेवन बिल्कुल सही जवाब है वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है उसने कहा कि आपको अब देखो ये सब नॉलेज बेस्ड है पैसेज पढ़ने से कुछ मेरे को मिलना नहीं है कोई हासिल होना नहीं है ये नॉलेज है आता है तो आप आंसर कर दोगे फटाफट नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे चलो नाउ विल कम टू द थर्ड वन नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर था एट क्वेश्चन नंबर एट यूनियन होम मिनिस्टर सेट दैट द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल विच विल रिप्लेस सीआरपीसी अच्छा 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 विच विल रिप्लेस सीआरपीसी का तुमसे ईयर पूछ रहा है ईयर सीआरपीसी जो प्रोसीजर कोड है वो किस साल में लिखा गया था ये अगेन नॉलेज बेस्ड है अब इसके आगे कैसे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है सब सब छोड़ दो बस इतना बताओ सीआरपीसी जो है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारे देश का भी प्रेजेंटली उसका कौन सा वो किस साल में लिखा गया था एंड यस एब्सोल्युटली करेक्ट द करेक्ट आंसर इज ए वेरी गुड बहुत बहुत बेहतरीन 1973 जो है उसमें लिखा गया था और ये एक्चुअली ओरिजिनली इसका जो किया गया था ओरिजिनली इसको जब लिखा गया था वो 1898 था देखो 1898 कॉमन था तो इसमें कंफ्यूजन होने का चांस था नहीं तुमको एसेंशियली बस यही पता होना चाहिए था कि सीआरपीसी 1973 का है कि नहीं दैट्स इट एंड यू वुड हैव द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन पे भारतीय साक्ष्य बिल विच विल रिप्लेस द एविडेंस एक्ट साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस देना ठीक है विल नाउ हैव डैश सेक्शन इंस्टेड ऑफ द अर्लियर वन सिक्सटी सेवन सो बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने होंगे 23 सेक्शंस को चेंज किया गया है एक नया सेक्शन ऐड किया गया है और पांच सेक्शंस को रिपील करे गए हैं व्हाट इज बी द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज 170 ठीक है टोटल 170 क्वेश्चंस जो हैं सॉरी 170 सेक्शंस जो हैं, वो आपके एड किए गए हैं मतलब टोटल हंड्रेड एंड सेवेंटी सेक्शन जो है मैं बाबा क्वेश्चन के बोल रहा हूँ। हंड्रेड सेवेंटी सेक्शन जो है वो है आपके नए एविडेंस लॉ में ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेन ओके मेनी स्टॉलवर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वर कन्विक्टेड फॉर द सिडिशियस स्पीचेस राइटिंग्स एंड एक्टिविटीज अंडर द ब्रिटिश रूल विच आर द फॉलोइंग फाइटर्स वाज़ नेवर बुक्ड अंडर सिडिशन लॉ ओ अच्छा ये देखो स्टैटिक के ऊपर पूछ लिया कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है उनमें से इन चार में से कौन से ऐसा कोई है जिसको सिडिशन लॉ के अंदर जेल नहीं हुई थी अंडर द ब्रिटिश रिजीम लोकमान्य तिलक महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना क्वेश्चन नंबर टेन एंड द करेक्ट आंसर इज डी मोहम्मद अली जिन्ना तो ये तीनों जो है लोकमान्य तिलक महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये कई बार सिडिशन के लिए जेल जा चुके थे अंडर द ब्रिटिश एम्पायर लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनको सिडिशन के लिए कभी जेल नहीं हुई ऑल राइट right, चलो तो अब नाउ वी विल कम टू कॉमनवेल्थ गेम्स अब तुम बोलोगे कॉमनवेल्थ गेम कहां से आ गया इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स तो हुआ नहीं है बट ठीक है करेक्ट बात है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2022 में हुआ था आ, लेकिन अभी क्या रिसेंट अपडेट्स है कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग तो वो ऐसा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उनको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ रहा है 380 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की आ, क्यों क्योंकि 2026 इवेंट की जो होस्ट साइटिंग होस्ट थी जो सिटी जो होस्ट कर रही थी उन्होंने उसको मना कर दिया वो ब्लो आउट हो गया वो पूरा प्लान उन्होंने पुल आउट कर दिया है वो नहीं होस्ट करने वाले हैं तो अब ये क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्टेट है जो कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला था क्या इसके अलावा कुछ और भी है एसेंशियली देखें तो सब जगह एक्स ही दिख रहा है है ना सब जगह एक्स दिख रहा है तो और कोई एसेंशियली अपने पास वो नहीं है ठीक है ओके लेट अस गो एंड अ लुक एट अच्छा ये देखो एक और अरे यार ये हाँ सो इसमें एसेंशियली कैसा है कि फर्स्ट टाइम सिंस द कैंसल्ड इवेंट ऑफ कॉमनवेल्थ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जो है ऐसा पॉसिबल डिसीजन हो रहा है कि इसको कैंसिल किया जा रहा है ठीक है बट अदरवाइज इसमें और ऐसा कुछ है नहीं सो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर इलेवन राइट हाँ च ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेज एक्स इन द अब पैसेज तो बेसिकली वही क्वेश्चन है ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में होने वाला था इज क्वेश्चन नंबर इलेवन एंड द करेक्ट आंसर इज विक्टोरिया ठीक है द करेक्ट आंसर इज विक्टोरिया ये आपके करेक्ट आंसर है ऑल राइट सो विक्टोरिया में 2026 विक्टोरिया एक शहर है एक सिटी है आपका ऑस्ट्रेलिया में जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होने वाला था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस किस जगह पे हुआ था व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इन द ईयर 2022 इस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कॉमनवेल्थ गेम्स दैट वॉज हेल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो है वो हुआ था बर्मिंगम में बर्मिंगम इज अ सिटी इन द यूनाइटेड किंगडम ओके यूके में एक शहर है बर्मिंगहम वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू हुआ था नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेयर एंड मेडल इज करेक्ट रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू कॉमनवेल्थ गेम्स बजरंग पुनिया गोल्ड साक्षी मलिक गोल्ड अच्छा तुमको बेसिकली ये बताने की दोनों में से कौन सा सही है दोनों सही है एक सही है कोई भी सही नहीं है कौन सा है क्वेश्चन नंबर थर्टीन द करेक्ट आंसर इज बोथ ये दोनों ही सही है बजरंग पुनिया एज वेल एज साक्षी मलिक दोनों को गोल्ड मिला था एंड ये दोनों ही आपके रेसलर्स हैं जिन्हें इसमें गोल्ड मिला था कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम बर्मिंगम में फोर्टीन में आ जाओ मोस्ट मेडल्स एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ट्वेंटी टू विच इंडियन प्लेयर ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु एस गनाशंकरण अमित पंगल या शरद कामल

वो टेबल टेनिस में जीते थे ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी शरद कमल जिसमें चार मेडल की अगर हम बात करें तो चार में तीन गोल्ड और एक सिल्वर मेडल था ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स डिड इंडियन एथलीट्स विन इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ठीक है ये है तुम्हारा डिफिकल्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स इंडियन एथलीट्स विन इन द द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स करेक्ट आंसर इज मेडलिट्स अगर ये नहीं भी आता था कोई बात नहीं है आप ऐसे याद करके रख सकते हो बट हां टोटल देख लेना गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्स कितने हैं उसको एक बार जरूर देख लेना लेनाइट नाउ वी कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड दो हजार बाईस जो कि कोयमटोर में हुआ था एंड इसके ऊपर बेसिकली अगेन कुछ है नहीं पैसेज देखने की जरूरत नहीं है बस हाँ इतना जरूर समझ में आ रहा है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट दो हो गया तो अब ये जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट है तो इसके बेसिस पे या तो हमको इसके आंसर्स आएंगे या नहीं आएंगे इस पैसेज में अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है लेकिन हाँ इसमें एक बार ये देख लेते हैं कहीं पे आ, कोई फिलिंद ब्लैंक्स तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है चलो The Union Housing and Urban Affairs Ministry on Friday named अरे on Friday तो छोड़ी दो वो तो ऐसे डालने के लिए दे दिया named dash the best city in the smart city mission in its India smart cities award so basically best city जो है उसका award किसको मिला smart cities mission के under भोपाल इंदौर जबलपुर या फिर ग्वालियर जल्दी से बता दो एंड द करेक्ट आंसर ये है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन राइट द करेक्ट आंसर टू सिक्सटीन इज ऑप्शन बी इंदौर ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही इंदौर इज द करेक्ट आंसर अच्छा एक और क्वेश्चन ये भी है ये बता दो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है द करेक्ट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी ठीक है ये इससे पहले अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री से पहले इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था सिविल एविएशन ठीक है सिविल एविएशन इससे पहले हरदीप सिंह पुरी के पास था अभी प्रेजेंटली सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक है तो मतलब ये देखो एक चीज तो ध्यान रखो जितने यूनियन मिनिस्टर्स है ना वो तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए वो तो पढ़ के ही जाना Uh, इस ये वाला फिर क्वेश्चन होगा सेवनटीन टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन अवार्ड. टॉप परफॉर्मिंग स्टेट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कौन सा है जल्दी से बताओ द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश ठीक है द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो है एमपी मध्य प्रदेश नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एटीन इसमें से कोई इनकरेक्ट बताना है तुमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्मार्ट सिटीज मिशन 2018 100 सिलेक्टेड सिटीज कंप्लीटेड सेवेंटी सिक्स वर्थ वन पॉइंट वन लाख क्रोर्स दी वॉज द स्मार्ट सिटी इन इंडिया दैट हैज बिकम द फर्स्ट टू रन ऑन 100 परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग द डे टाइम और नन ऑफ दीज इज करेक्ट नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट करेक्ट हाँ चलो क्वेश्चन नंबर एटीन बताओ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर एटीन इज द स्मार्ट सिटीज मिशन वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एटीन ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है दियू जो है वो अपना ये ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है दीयू जो है वो एक स्मार्ट सिटी है इंडिया में जो कि पहली सिटी बनी जो अब 100% परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डे टाइम में फंक्शन करती है ठीक है चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच यूनियन टेरिटरी हैज रिसीव्ड द ओवरऑल अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड बेस्ट यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है न्यू दिल्ली चंडीगढ़ पुडुचेरी लक्ष्मीप क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एंड द करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़ चंडीगढ़ इज ऑल्सो द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया ठीक है इसको फर्स्ट प्लान सिटी भी कहा जाता है ठीक है इट्स द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ जो है वो बेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया में चलो फाइनल क्वेश्चन इस टॉपिक से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर दस लाख विच सिटी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एयर क्वालिटी एयर क्वालिटी में कौन सा सिटी है जिसकी पॉपुलेशन दस लाख से ज्यादा है और उसको फर्स्ट पोजीशन जो है वो मिला है गुवाहाटी पुणे इंदौर जबलपुर चलो ट्वेंटीएथ का करेक्ट आंसर इज इंदौर बिल्कुल सही आंसर है ठीक है इंदौर जो है वो बहुत ही बेहतरीन जगह है रहने के लिए चाहे वो एयर क्वालिटी की बात कर लो या फिर आप बात कर लो क्लीनलीनेस की ठीक है सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती तो राधा फिर अभी आप कैसे बैठे हो क्लास में और अगर चलो ठीक है मान लो अगर आप नहीं भी अटेंड कर पा रहे हो तो एटलीस्ट कोशिश करो कि आप रिकॉर्डिंग्स जो है मतलब वो तो रहती है एटलीस्ट रिकॉर्डिंग्स के साथ आप प्रैक्टिस कर लिया करो देख लिया करो बट कोशिश करो लाइव क्लास में थोड़ा ज्यादा मजा आता है क्योंकि आपको समझ में आता है कि अच्छा कितना आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है चलो सो नाउ द फाइनल टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग टुडे इज द कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है कर्नाटका और uh, तमिलनाडु के बीच में ठीक है वाटर एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फोर ट्रिलियन मेट्रिक क्यूबिक Uh, पानी जो है तमिलनाडु को मिलता है टू सेवेंटी जो है वो मिलता है कर्नाटका को एंड दिस इज अ कावेरी uh, डिस्प्यूट जो है कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो काफी ज्यादा ही एक कंटेंशियस डिस्प्यूट जो है वो रहा है ठीक है बिटवीन बोथ द स्टेट्स द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज वेल एज द स्टेट ऑफ कर्नाटका ओके तो इसमें अगेन कोई फिल इन द ब्लैंक्स तो हमको दिख नहीं रहा है तो एक काम ये करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे ठीक है

ये क्या करता है ये एक अवार्ड देता है जिसमें अवार्ड देने का मतलब है कि अपना जजमेंट देता है कि किसको कितना पानी जो है वो मिलना चाहिए फ्रॉम कावेरी रिवर ऑल राइट सो इसकी इसका जो गठन है वो कब किया गया था द करेक्ट आंसर इज 1990 में 1990 में ठीक है सेकेंड जून 1990 को इसका गठन किया गया था ओके okay?

है ना इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसको हम लोग एक बार के लिए स्किप करेंगे ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे ये भी क्वेश्चन बड़ा लंबा है ट्वेंटी अच्छा ट्वेंटी थ्री लेट्स Supreme Court refused to pass any order on the Tamil Nadu government's plea seeking release of 24,000 causes of Kaveri water daily by Karnataka for standing crops. Tamil Nadu also urged the court to direct Karnataka to ensure the release of 36.76 thousand million cubic feet uh, stipulated for September 2023 as per the tribunal's final award of February. अरे यार इतना सारा कुछ पूछ दिया बेसिकली ये पूछ रहा है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का एक फाइनल अवार्ड आया था फेबर किस साल में जिसको कि मॉडिफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में और बेसिकली इस फाइनल अवार्ड के कारण जो है जो ट्राइब्यूनल ने जो अवार्ड दिया था उसमें यही हुआ था कि थर्टी मिलियन क्यूबिक फीट का पानी जो है वो रिलीज किया जाना चाहिए कर्नाटका के द्वारा सो दट तमिलनाडु को जो मिला है जो वॉटर एश्योर किया गया है वो मिले तो यह अवॉर्ड कब आया था ट्राइब्यूनल का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सर आप हमें अच्छा पढ़ाते हो ऐसे ही पढ़ाइए इज माई रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर अच्छा अरे ठीक है यार मतलब मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूं हाँ तो बताओ Guys, एक मिनट प्लीज जस्ट जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट मुझे एक सेकेंड दो मेरे होल्ड ऑन अ मिनट मेरे को, <coughs> Guys, just, just को तो पानी की जरूरत है हाँ सो द करेक्ट आंसर इज 2007 ठीक है ये फाइनल अवार्ड जो है 2007 में दिया था द ट्राइब्यूनल ने ऑल राइट हाउ मच हैव एन एक्सपीरियंस ट्यूटरिंग क्लैट एक्सपेरियंट सर लाइक मेरा एक्सपीरियंस पूछ रहे हो आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट सिंस 2015 व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ लॉ स्कूल तो 2015 से लगा लो पांच साल छे uh, सात आठ साल हो गए यार मेरे को और ट्रेन करते हुए ऑल राइट एंड माई मदर इज वीडियो कॉलिंग मी राइट नाउ चलो एनी विज वे मैं कट तो कर देता हूं एनी वेज में चलो विल मूव ऑन टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं सेशन को एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है ड्रॉप इन अ मैसेज टू माई मदर अपनी मम्मी पापा का ना फोन कभी ऐसे इग्नोर नहीं करना ठीक है जब आप बाहर रहोगे तो आपको रियलाइज होगा सो रिवर कावेरी राइजेज ऑन डैश हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट पॉण्डीचेरी पुडुचेरी है मतलब अब तो नाम खैर चेंज हो गया है पांडीचेरी की जगह पुडुचेरी होना चाहिए बट ठीक है रिवर कावेरी राइजेस ऑन द डैश हिल वॉट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रह्मागिरी ठीक है ना तो यह हो गया चलो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अरे बाप रे इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्ट बाय सेक्शन सिक्स ए ऑफ द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम इन फर्स्ट जून ऑन फर्स्ट जून 2018 कॉन्स्टिट्यूटिंग वाटर मैनेजमेंट बेसिकली तुमको इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के बारे में पूछ रहा है ठीक है तो वो कब का लॉ है ये सब इतना जो आगे का है ना ये सब बेकार है मत पढ़ो इसको तुमसे बस पूछ रहा है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है उसका ईयर बताओ 25 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी 1956 है बिल्कुल सही एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है सो विध दिस वी कम टू एंड ऑफ ऑल है ना अब इसमें कैसा है uh, कि, now, session, मैं आप सबको बता कि अगर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग uh, सा तरीके से आप एक कंसाइज तरीके से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हो क्लैट का क्रैश कोर्स जो है वो करना चाहते हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम को uh, ले सकते हो आप चाहे कोई भी एग्जाम uh, अटेंड you know, कर रहे हो चाहे वो क्लैट हो एलेट हो स्लैट हो महाराष्ट्र लॉ सीईटी हो आपकी सबकी तैयारी जो है वो यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू जो है वो कराई जाएगी आपको गाइडेंस सेशन स्टूडेंट्स के साथ मेंटोरशिप मॉक टेस्ट सेक्शुअल टेस्ट ये सब कुछ जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड ये स्मार्ट कोर्स जो है आप ले सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ सेवन फोर डबल नाइन ठीक है सेवन फोर डबल नाइन में यू जस्ट वेबव आपको डिस्काउंट मिलेगा इसका इफेक्टिव प्राइस जो है वो सेवन फोर डबल नाइन आता है, कहां से? इसका 15, है जब आप जाओगे उसको आ, लेने के लिए अगर आप एनरोल करते हो तो आपको ये 9999 का दिखेगा ठीक है तो आप मेरा डिस्काउंट कोड लगा लेना विच इज वेब एंड आपको ये फिर सेवन फोर डबल नाइन में मिल जाएगा ठीक है शुक्रिया चलो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन क्लैट के लिए अभी से क्या करूं कैसे पढ़ू Uh, तो देखो अगर डिपेंडिंग अपॉन की आपको अगर मान लो आपको नेक्स्ट ईयर लिखना है ठीक है अगर नेक्स्ट ईयर लिखना है आपको क्लैट की क्लैट uh, एग्जामिनेशन तो अभी से आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान जो है वो देना चाहिए कोर सब्जेक्ट्स जैसे आपका इंग्लिश हुआ आपका लीगल रीजनिंग हुआ और आपका मैथमेटिक्स जो है आप ये तीन सब्जेक्ट के ऊपर अभी फोकस कर सकते हो करंट अफेयर्स जो है वो आप नेक्स्ट ईयर जनवरी ऑनवर्ड्स आप यू नो कंटिन्यूस बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो एंड uh, हाँ रेस्ट आई थिंक बाकी क्रिटिकल रीजनिंग हो गई और करंट अफेयर्स जो हो गया वो आप नेक्स्ट ईयर भी स्टार्टिंग से अगर करोगे करंट अफेयर्स तो अफेयर अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हो तो आपको नेक्स्ट ईयर ही पढ़ना पड़ेगा बट हाँ क्रिटिकल रीजनिंग भी अगर आप अगले साल के रखते हो तो फिर भी आपके तीन मेजर कोर सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे तो ये यू शुड स्टार्ट विद योर कोर ऑफ लीगल रीजनिंग इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा छोटा है उस उसमें बहुत ज्यादा आपको वेटेज नहीं देना तो आपको एसेंशियली दो ही सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर पढ़ने की और काम करने की अभी जरूरत है ठीक है हाँ तो राधा मैं वही है समझ गया था कि आप 2025 की बात कर रहे हो तो उसी हिसाब से मैंने बताया कि फॉर 2025 स्टूडेंट्स जो है उनको इस तरीके से अभी अपनी क्लैट की प्रेपरेशन जो है वो करनी चाहिए ठीक है सो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सो दिस दिस कंक्लूड्स द थर्ड क्लास ऑफ दिस टॉपिक इस सीरीज का थर्ड क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुका है इसके पहले के अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो जो है अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपको यहां पे दिख जाएगा आपको इसके पहले के दो क्लासेस जो है वो बिल्कुल दिख जाएंगे एंड जो है आप उन क्लासेस को भी जरूर अटेंड करिएगा एंड मेक श्योर दैट यू कम फॉर ऑल द क्लासेस इन द सीरीज जहां पे कि आपकी कंप्लीट करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन हो जाएगी सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच अब आपसे मुलाकात होगी शाम को सात बजे जहां पे कि हम लोग करेंगे लीगल रीजनिंग की प्रैक्टिस लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस जो है वो हम लोग करेंगे अभी शाम को सात बजे ठीक है सो लेट अस मीट एट सेवन पीएम ऑल राइट चलो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच गाइज हैव अ लवली इवनिंग थोड़ा सा कुछ खा पी लो एंजॉय कर लो और फिर मिलते हैं सात बजे टिल देन स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय